सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारयां दा एक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीआं खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहला तुहानू सब नू एक बेनती है कि इस वीडियो नू लाइक करो अते पूरा जरूर देखो। आओ जानदे हां अज दी पहली वड्डी खबर। जित मगरों कैप्टन दा बयान, बोले स्पष्ट है कि पंजाब दे लोक विकास चाहुंदे। जी हां दोस्तों, तुहानू दस दईए कि पंजाब दीआं लोकल वड्डी चोणां विच कांग्रेस दी शानदार जित मगरों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तमाम पंजाबियां दा धन्नवाद कीता अते कांग्रेस दे सारे आगुआं ते लीडरां नू वी इस वड्डी जित दी वधाई दित्ती। कैप्टन ने कहा, नगर निगम चोणां विच अज दे नतीजे हर इक पंजाबी दी जित है। इह स्पष्ट है कि पंजाब लोक विकास चाहते हैं, नफरत अते नाटकां दी राजनीति नाल मूर्ख नहीं बनाए जा सकते। मैं सारयां दा साडे ते विश्वास जताउण लई धन्नवाद करदा हां, खासकर उन्हां कांग्रेसी वर्करां दा जिन्हां ने दिन रात मेहनत कीती। दो तो ज्यादा पशु पालन ते होवेगी FIR, पशु भी होणगे जबत। जी हां दोस्तों, तुहानू दस दईए कि जेकर तुसी PM मोदी दे संसदी खेतर वाराणसी नगर निगम दी सीमा विच रहिंदे हो अते गावां रखदे हो तां इह खबर तुहाडे लई काफी अहम है। हुण दो तो ज्यादा पशु पालन ते तुहानू पशु पालन विभाग तों पशुआं दी टैगिंग करवाउणी होवेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट वल्लों एक जनहित पटीशन नंबर विनय चौधरी अते होर बनाम उत्तर प्रदेश राज ते 4 जनवरी 2019 दे दित्ते गए एक हुक्म नूं हुण पूरी सख्ती नाल वाराणसी प्रशासन ने लागू करा दिता है। कोरोना संकट दे चलदे इह हुक्म हुण तक लागू नहीं हो सकिया सी। हुण इस हुक्म दा पालन करदे होए बीते दिन वाराणसी जिला अधिकारी ने एक बैठक करके नगर निगम समेत तमाम पुलिस प्रबंधकी अधिकारियां नूं निर्देश दिता है कि वाराणसी नगर निगम सीमा विच कोई भी पशु पालक अपने कोल दो तो ज्यादा गावां नहीं रख सकदा। हुण PF अकाउंट विच ना अते प्रोफाइल विच बदलाव करना नहीं रहा सुखाला, नवे दिशा निर्देश जारी। जी हां दोस्तों, तुहानू दस दईए कि कर्मचारी भविख निधि संगठन यानी EPFO ने धोखाधही नूं रोकण लई सख्त कदम चुके हन। इस दे तहत मैंबर्स हुण बिना दस्तावेज तों ऑनलाइन ना बदलण अते प्रोफाइल विच वड्डे बदलाव नहीं कर सकणगे। जांच तों बाद ही इस तरह दे बदलाव कीते जा सकणगे। EPFO दा कहना है कि PF अकाउंट दे प्रोफाइल विच ऑनलाइन सोध जां बदलाव करन कारण कई बार रिकॉर्ड विच मिसपैच दी संभावना रहिंदी है, जिस नाल धोखाधही दा डर रहिंदा है। जारी नवे दिशा निर्देश मुताबिक हुण बिना दस्तावेज दे PF अकाउंट विच मैंबर्स दा वेरवा नहीं बदलेगा। हालांकि नां विच छोटे बदलाव दी इजाजत है, पर किसी भी वड्डे बदलाव तों पहला हुण EPFO दस्तावेज चैक करेगा। कोरोना दा नवां स्ट्रेन मिलण मगरों विदेश तों आउण वाले यात्रियों लई SOP जारी, 22 फरवरी तों होणगे लागू। जी हां दोस्तों, तुहानू दस दईए कि विदेश तों आउण वाले यात्रियों लई 22 फरवरी 2021 तों रात नवें SOP लागू हो जाणगे। UK, यूरोप ते मिडल ईस्ट तों आउण वाले यात्रियों लई सरकार ने विशेष नियम तैयार किते हन। सेहत मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बाकी यात्रियों लई लागू SOP UK, यूरोप ते मिडल ईस्ट तो भारत आने वाले यात्रियों लई नहीं हन, क्योंकि उन्हां लई वक्खरे SOP जारी किए गए हन। भारत आने वाले आम यात्रियों लई जारी SOP दे दो मुख हिस्से हन, यात्रा दी तैयारी ते हवाई जहाज विच बैठन तो पहलां दी तैयारी। एयर सुविधा पोर्टल ते कोरोना ना होण दा सैल्फ डिक्लेरेशन देना होवेगा। RT-PCR टेस्ट दी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होवेगी। इह रिपोर्ट यात्रा दे 72 घंटे दे अंदर होनी चाहीदी है। एक अप्रैल तो महंगे हो सकते हैं इंटरनेट ते मोबाइल कॉलिंग, टेलीकॉम कंपनियां कीमत वधाउण दी तैयारी विच। जी हां दोस्तों, तुहानू दस दईए कि टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकां नूं जोरदार झटका देण दी तैयारी विच हन। असल विच टेलीकॉम कंपनियां 1 अप्रैल 2021 तों कॉलिंग ते डाटा चार्ज विच इजाफा कर सकदियां हन। इस दा खुलासा रेटिंग एजेंसी ICRA दी रिपोर्ट तों होया। हालांकि कीमतां विच किन्ना इजाफा कीता जा सकदा है
है। इस बारे फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया, पर जेकर कॉलिंग ते डाटा चार्जेज विच वाधा हुंदा है तां मोबाइल फोन तो कॉल करना ते इंटरनेट इस्तेमाल करना पहलां दे मुकाबले काफी महंगा हो जाएगा। अजिहे विच मोबाइल फोन यूजर्स नूं जेकर एक जां दो महीने विच टैरिफ दरां विच वाधे लई तैयार रहना चाहीदा है। दस दईए कि इस तों पहलां पिछले साल भी कुछ टैलीकॉम कंपनियां ने टैरिफ विच इजाफा कीता सी। अजिहे विच टैलीकॉम कंपनियां नूं लॉकडाउन विच घट नुकसान उठाउणा पिया। SBI दी इस स्कीम नाल वधेगी तुहाडी आमदन, हर महीने होवेगी 10,000 दी कमाई। जी हाँ दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि लोक निवेश दे जरिए अपने भविख नूं सुरक्षित करन दीआं योजनावां बणाउंदे हन, पर कई वार गलत जगह ते निवेश करन नाल उहनां दी समस्या वध जांदी है। अजिही स्थिति विच इह बहुत महत्वपूर्ण हो जांदा है कि तुसीं सही जगह विच निवेश करो तां जो तुहानूं किसे भी मुश्किल दा सामना ना करना पवे। SBI दी एनुअल स्कीम बारे जानो, जिस दे जरिए तुहानू एक निश्चित समय बाद महीनावार आमदनी मिलनी शुरू हो जाती है। SBI दी एह स्कीम 36, 84 जां 120 महीनिया दी मियाद लई निवेश कीती जा सकती है। इस विच निवेश ते ब्याज दी दर इको होवेगी, जो के चुनी गई अवधि दी मियाद जमा रकम लई है। मन लो के जे तुसी 5 सालां लई फंड जमा करदे हो तां तुहानू सिर्फ 5 सालां दी निश्चित जमा रकम ते लागू ब्याज दर दे अनुसार ब्याज मिलेगा। सारे लोग इस योजना दा लाभ लै सकदे हन। जे कोई निवेशक हर महीने 10,000 रुपए दी आमदनी चाहुंदा है तां निवेशक नूं 5,07,965 रुपए अते 93 पैसे जमा करवाने पैणगे। जमा कीती रकम ते तुहानू 7% दी ब्याज दर तों वापसी मिलेगी, जो निवेशक नूं हर महीने लगभग 10,000 रुपए कमाएगी। केंद्र ने श्री ननकाना साहिब शताब्दी समारोह मनाउण जाण वाले जत्थे नूं नहीं दित्ती मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि साका श्री ननकाना साहिब दी शताब्दी मनाउण लई भारत विचों तकरीबन 1,000 दे करीब यात्रु पाकिस्तान गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब विखे शताब्दी मनाउण लई तैयारी कसी बैठे सन, पर केंद्र ने श्री ननकाना साहिब शताब्दी समारोह मनाउण जाण वाले जत्थे नूं मंजूरी नहीं दित्ती है। इस जत्थे विच श्री अकाल तख्त साहेब दे जथेदार सिंह साहेब ज्ञानी हरप्रीत सिंह, पंथ प्रसिद्ध कथावाचक ज्ञानी पिंदरपाल सिंह, जवद्दी टकसाल दे बाबा अमीर सिंह, श्री अकाल तख्त साहेब दे पंज प्यारे, 4 हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहेब कथावाचक अते प्रचारक इस जत्थे विच शामिल सन। इस तों इलावा श्रोमणी कमेटी दे 21 मैंबर, जिस विच 4 अंतरिंग मैंबर भी जत्थे नाल जा रहे हन। हुण तक गृह विभाग अते विदेश विभाग दी आग्या, अटारी इमीग्रेशन विभाग ते बॉर्डर गेट रेंजरा पास ना बुझण ते 605 बरकरार है। कोरोना दे चलदियां जिथे यात्रियां ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया है उत्थे ही यात्रियां विच पिंड कटाणा साहिब शताब्दी नूं मनाउण लई भारी उत्साह भी है। भारत विच पहली बार किसी औरत नूं दित्ती जावेगी फांसी। जी हाँ दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि आजादी तों बाद भारत विच पहली बार किसी औरत अपराधी नूं फांसी दी सजा दित्ती जावेगी। इस दे लई मथुरा दी जेल विच तैयारियां भी शुरू हो गईयां हन। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश दे इकलौते फांसी घर विच अमरोहा दी रहण वाली शबनम नूं फांसी ते लटकाया जावेगा। निर्भया दे दोषियां नूं फांसी देण वाला पवन जल्लाद हुण तक 2 वार फांसी घर दा निरीक्षण भी कर चुका है। सर्वोच्च अदालत दे मुड़ विचार पटीशन खारज होण बाद हुण शबनम दी फांसी दी सजा नूं राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखिया है। अजिहे विच हुण उस नूं फांसी ते लटकाउणा तय हो गया। मथुरा जेल विच महिला फांसी घर विच शबनम दी फांसी दी तैयारी भी शुरू हो गई है। डेथ वारंट जारी हुंदे ही शबनम नूं फांसी दित्ती जावेगी। विदेशां विच कारोबार ते रुजगार लई पंजाब सरकार करेगी नौजवानां दी मदद ते अगवाई। जी हाँ दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि जिला रुजगार अते कारोबार ब्यूरो लुधियाणा दे डिप्टी डायरैक्टर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा ने जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि पंजाब सरकार वल्लों चलाई जा रही घर घर रुजगार अते कारोबार मिशन तहत विदेश स्टडी करन दे चाहवान विद्यार्थियां नौजवानां दी सहूलत लई विदेश स्टडी अते काउंसलिंग लई प्लेसमेंट सैल स्थापित
स्थापित किया गया है ता जो विद्यार्थियों ते नौजवानों नु सही सेध मिल सके अते उन्हां दी एजेंटा हथों लुट खसुट ना होवे। श्रीमती शर्मा ने दस्या कि 1 मार्च तो 31 मार्च 2021 तक काउंसलिंग दा पहला राउंड शुरू किया जा रहा है, जिस विच विदेशी काउंसलिंग लई रजिस्ट्रेशन करन लई लिंक 21 तो 25 फरवरी 2021 तक चालू रहेगा। पेट्रोल 100 तो पार, डीजल नवी उचाई ते पुजा, जानो पंजाब विच मुल। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि पेट्रोल डीजल महंगा होण नाल हर तरह की महंगाई डंग मार रही है। तेल मार्केटिंग कंपनियां वालों वीरवार नू पेट्रोल डीजल की कीमत 34 ते 32 पैसे वधाई गई है। दिल्ली विच पेट्रोल की कीमत 99.88 रुपए प्रति लीटर, डीजल की कीमत 80.27 रुपए प्रति लीटर हो गई। पेट्रोल डीजल कीमतों विच उछाल का यह लगातार 10वां दिन है। उंज इस साल हुण तक 22 वार विच पेट्रोल 6.70 रुपए अते डीजल 6.40 रुपए महंगा हो चुका है। देश विच पहली बार पेट्रोल 100 रुपए तो पार हो गया। राजस्थान के श्री गंगानगर विच पेट्रोल की कीमत 100.49 रुपए अते डीजल की कीमत 92.47 रुपए प्रति लीटर हो गई। लगातार कीमतां वधन नाल जलंधर शहर विच पेट्रोल की कीमत 90.88 पैसे अते डीजल दी 82 रुपए प्रति लीटर हो गई है। दोस्तों, जे तुहानू यह साडी जानकारी वधिया लगी तां कमेंट करके दस्यो, लाइक अते शेयर जरूर करियो अते साडे चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुल्यो। धन्यवाद।